युवा शक्ति के बल पर जग की आजादी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो युवाओं को मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी हमारा साथ दे और मैं इस नगर के और कृष्णा नगर को एक नई पहचान दे पाऊँ। जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं आदर्श नगर पंचायत निचलौल में, और निचलौल आदर्श पंचायत में वार्ड नंबर 12 के सभासद प्रत्याशी के रूप में एक युवा समाज सेवी नीतीश गुप्ता जी चुनाव मैदान में हैं। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में किस उद्देश्य से आए हैं और जनता के बीच में उनकी क्या योजनाएं हैं, और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या काम करेंगे। तो आप इस समाज सेवी का नाम है दोस्तों नीतीश गुप्ता जी, और तमाम सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, तमाम राज्य सरकारों के माध्यम से, तमाम जो भी समाज सेवी संगठनों के माध्यम से। चूंकि तो सबसे पहले आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कृष्णा नगर की जनता को भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले बताइए, राजनीति आप पिछले कई सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो क्या जरूरत पड़ा कि इस बार आप भी जो सभासद का चुनाव मतलब राजनीति में उतरे हैं, क्या कारण रहा इसका? देखिए, कुछ चीज़ें जब आदमी के दौर से गुजरती हैं और वो चीज़ें संपन्न नहीं हो पाती हैं, कि जैसे कि मुझे आवश्यकता लगा कि समाज को मुझे वो चीज़ उतारनी है, तो कहीं ना कहीं राजनीति का दामन थामना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने समाज को, सेवा को देखते हुए राजनीति में कदम रखा है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति भी एक तरह से सेवा ही है, समाज की सेवा। अगर बेहतर तरीके से आदमी करता है तो कहीं ना कहीं समाज की उन्नति होती है, साथ साथ अपना एक अलग पहचान बनता है। तो सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर आप सभासद के रूप में कृष्णा नगर की जनता आपको अपना वोट देकर अब विजयी बनाती है, तो क्या योजनाएं हैं कि आप जनता के बीच में कौन सा योजना लेकर जाएंगे और क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रत्याशी बहुत हैं और सबकी अलग अलग योजनाएं हैं। अलग अलग लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारे विकास करूंगा, नाली लेके, सड़क को लेके, विद्युत परेशानियों को लेके, लेकिन इन समस्याओं से हटके भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ जरूरतें हैं जिसको हम उसको सामाजिक स्तर पे समाज में उतारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नाली की समस्या, सड़क की समस्या, वो तो समस्या है ही, लेकिन हम क्या करें ऐसा कि समाज को एक नई गति दें, नई ऊर्जा दे सकें, समाज के लोगों को एक नया नए रूप में जोड़ सकें, इसके लिए मैं निरंतर लगा रहा हूँ और लगा रहूंगा कि समाज को एक नई पहचान दे पाऊँ, कृष्णा नगर को एक पहचान दे पाऊँ। चलिए, अक्सर देखा जाता है कि जो भी चुनाव होते हैं उसमें तमाम तरह के प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा होते हैं, तो इस बार भी चुनाव अगर हो रहा है तो तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको जनता क्यों अपना वोट दे? आपके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं कि जिसे जनता वोट दे और आप कुछ अलग कर पाएंगे? देखिए, समाज में सभी जनता चाहती है कि समाज में एक अच्छी छवि हो, और एक अच्छा समाज सेवक चाहिए उन्हें जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, और समय समय सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उन तक पहुंचाए। ऐसा ना हो कि योजनाएं का लाभ केवल वो अपने तक ही सीमित रख ले, उस योजना का लाभ को समाज तक पहुंचाए, उनकी आवश्यकताएं है, क्या हैं, समस्याएं उनके पास से कहाँ आ रही हैं, उन तक वो मदद करे। चलिए, ठीक है। तो ये बताइए कि मतलब आप चुनाव मैदान में तो खड़े हो चुके हैं, तो क्या ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसे आप चुनाव मैदान में जनता के बीच में लेकर जाएंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अगर जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है और मुझे अगर कमान मिलता है कृष्णा नगर का, तो निश्चित रूप से ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कृष्णा नगर को एक नई पहचान मिलेगी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे साथ चल रहे हैं, बहुत सारे कंट्री के लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसको मैं अपने कृष्णा नगर में उतारना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर जनता मुझे उस योग बना देती है तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक होगा, और इतिहास के शब्दों में बिल्कुल लिखा जाएगा कि कृष्णा नगर है, देखने लायक कृष्णा नगर रहेगा। चलिए, आपकी सोच को हम काबिले तारीफ करते हैं, और ये होना भी चाहिए, चूंकि एक आप युवा प्रत्याशी हैं और एक पढ़े लिखे शिक्षित प्रत्याशी हैं। आपने हमने पता किया कि आप बीए, बीकॉम, आईटीआई, तो तमाम तरह की शिक्षाएं आपने अर्जित की हैं, और एक नौजवान साथी होने के नाते और शिक्षित होने के नाते, तो आपको युवाओं के लिए आपकी क्या योजनाएं होंगी जो जिससे आपको युवा आपके साथ जुड़े, तो ऐसी क्या योजनाएं हैं? युवाओं को सबसे ज्यादा तो प्रेरित करना है कि युवाओं को मैं एक टीम गठित करूंगा, ताकि जैसे कि समय समय पे भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं युवाओं के लिए, वो क्रीडा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या आईटी सेक्टर में जो भी हो, उन तहत ऐसे मिलाप रहेंगे ताकि जो भी योजनाओं का लाभ वो डायरेक्ट उन्हें मिल सके। अगर जो छात्र या जो युवा अगर क्रीडा क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो भी कृष्णा नगर जो वार्ड है इसमें भी तमाम ऐसे परिवार हैं जो गरीब परिवार है, असहाय परिवार हैं, और सरकार की तरफ से उनको आवास मिलता है हर साल
नगर पंचायत में आवास मिलता है, तो हमने देखा है कि आवास के नाम पर गरीबों से 20,000 से लेकर 40,000 रुपया तक घूस लिया जाता है एक तरह से, मतलब उनसे धन उगाही की जाती है। तो अगर आप सभासद बनते हैं तो इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी? देखिए, सरकार की योजना है और सरकार की योजना जो पात्र है उनको डायरेक्ट मिलना चाहिए, कहीं से बीच में धन उगाही का शब्द आएगा ही नहीं। और यह मेरा हमारे पे विश्वास करे जनता बिल्कुल भी। और ये जो आपने बात कहा कि 20 से 40,000 की उगाही हो रही है, ये सत्य भी है कि इस समय के जितने भी प्रतिनिधि हैं इस तरह के कार्य किए हैं, बहुत सारे लोग अभी हमसे भी मिलते हैं, उनकी शिकायत है कि आवास के नाम पे लोगों ने धन उगाही किया है। कहीं कहीं लोगों के मन में तकलीफ है, वो दर्द है कि अगर एक असहाय परिवार से अगर इस तरह की घटना होती है तो बहुत ही असहाय है। सांसद के रूप में पहली बार आपका मतलब चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो जनता आपको क्यों मौका दे, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन होता है अगर, और मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं एक सेवक के रूप में, एक नगर के मुखिया के रूप में नेतृत्व करूंगा। और इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं न कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये जनता से मेरा निवेदन है, आग्रह। चलिए दोस्तों, हमने नीतीश गुप्ता जी से बातचीत किया और कृष्णा नगर वार्ड संख्या 12 के सभासद के प्रत्याशी हैं, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि युवा प्रत्याशी होने के नाते कहीं ना कहीं इनसे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, हमारा इनसे बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह का उन्हें वीडियो देखने के लिए और नगर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।